की शादी है तो उसकी लकड़ियां लेने के लिए जा रहे हैं। का ना दिल्ली रहती है, दिल्ली जॉब करती है ना, चढ़ाई पे चलते चलते हालत खराब हो रही है क्योंकि लकड़ियां गिली हैं। ये और मैं ना स्कूल में क्लासमेट थे। ये बड़ा लैंडस्लाइड तो इधर की साइड हो रखा है। चारों की नई नई मकान बनी है तो देख लेते हैं अंदर से। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम है साक्षी नेगी, मेरे गांव का नाम है तैला जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग ना 8:30 बजे से और छत में से हो रही है। कल परसों तक की बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई थी और आज देखो मौसम खुल रहा है धीरे धीरे करके और अच्छी सी धूप लगना भी स्टार्ट हो गई। और यहीं हमारे छत के सामने पे ना एक ककड़ी की बेल है जिसपे की एक छोटी सी ककड़ी भी दिखाई दे रही है ये यहाँ पे, पर मुझे लगता है ये बंदर नहीं रखने वाला। सूर्य देव का आगमन भी इधर से हो चुका है पर इधर की साइड ना बादल भी बहुत सारे लग रखे हैं। आज ना पूरे 3 दिन बाद मौसम थोड़ा सा खुला है और शायद शाम के टाइम फिर से बारिश हो सकती है। अभी ना मम्मी मेरी तैयारी भी हो गई है घास के लिए जाने के लिए। मम्मी राधे राधे से भी लोगों को भाई हम जा रहे हैं घास लेने, बहुत दिनों बाद हो रहा बाद। हाँ, इसलिए हमने बोला आज ना दूर दूर जाएंगे घास लेने के लिए। हाँ। 4 में और जल्दी आएंगे और मुझे ना घास लेने भी जाना है और साथ में लकड़ियाँ लेने भी जाना है। तो चलो दिखाती हूँ कहाँ जाना है मुझे लकड़ियाँ लेने। यहाँ पे ना एक बेल है और इस पे लगी है ये गेंठी। ये तो जंगली है, इसकी सब्जी नहीं बनती पर जो घर की होती है ना उसकी सब्जी बनती है। पर इस पे बहुत सारे हो रखे हैं। और मम्मी देखो रास्ते रास्ते में से ऐसे पौधे ले जा रही हैं 4 में लगाने के लिए, क्योंकि ऐसे रास्ते में झड़ रखे हैं ना ऊपर किसी के खेत के बीज, तो इसलिए मम्मी बोल रही हैं कि रास्ते में बर्बाद हो रहे हैं। बलिए पेड़ लगाना जरूरी होता है भाई। हाँ, खेत के आसपास जितने पेड़ लगाओगे ना उतना ही अच्छा होगा क्योंकि आजकल ना लैंडस्लाइड बहुत जल्दी हो जाता है और पेड़ लगाएंगे ना तो मिट्टी जकड़ी हुई रहती है। बिना रिंकू के घर के पीछे भी पहुँच चुके हैं और बहुत टाइम बाद मिलाते हैं आपको रिंकू से। एकदम से उसकी खतरनाक वाली एंट्री होगी। भाई आप आ गए, मेरे को तो डर लगता है उसको देख के। मुझे लगता है आज ये घर पे नहीं है, घर पे होता तो ए देखो आज सुन ली बेचारे, आज रिंकू नीचे जा रखा है। पता है रिंकू ना ऊपर क्यों नहीं आया, क्योंकि ना वो आजकल बीमार हो रखा है तो उसको ऐसे बीमारी हालत में देखकर भी बुरा ही लग रहा है क्योंकि काटता तो वो है नहीं, बस भूख नहीं आता है हमको। अब बेचारा बीमार हो गया तो पता नहीं क्या ही होगा। रास्ते में हम जा ही रहे थे, यहाँ देखो ये पता नहीं कब टूटा, मैं तो आज देख रही हूँ भाई ये तो टूटी टूटने पे लगा हुआ ही है। डर के जाना पड़ेगा। घर के साइड से तो हमारे नीचे वाले खेत साफ दिखाई दे रहे हैं और नदी भी प्यारी सी दिखाई दे रही है। और आजकल ना उन खेतों में धान बो रखी है तो पूरे खेत पीले पीले दिखाई दे रहे हैं, मतलब 2-4 दिन में ना धान भी वहाँ की काटने के लिए हो जाएगी। अभी हमने तो नहीं कर रखे वहाँ के खेत, हमने ना 2-3 साल हो गए वहाँ के खेत छोड़ दिए थे। मम्मी की बस की उतनी थी नहीं, फिर मेरा भी कॉलेज था तो इसलिए हमने बोला घर के ही खेत करेंगे। और ये सड़क पक्की होने का काम ना पूरा 1 साल तक के चलता रहेगा। जब ना पहली लेयर बिछाई थी ना पत्थरों की तो हमको लगा बस अब इसके ऊपर कोलतार डालना है और हो जाएगा, पर अभी पता चला कि इस पर 3-4 लेयर बिछानी पड़ती है पत्थरों की फिर मिट्टी। सबसे बड़ा लैंडस्लाइड तो इधर की साइड हो रखा है। इधर की साइड ना पूरी ऐसी वाली 4 थी और वो पूरी 4 नीचे आ गई क्योंकि यहाँ पे पेड़ कम थे और जितने 2-4 चीड़ के पेड़ थे ना वो सारे भी टूट के आ गए। यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा दर्दरी है ना इसलिए इतने सारे पेड़ गिरे ना, जबकि इतने बड़े बड़े पेड़ थे फिर भी वो गिरे। इसके नीचे भी पेड़ दब रखे हैं, ये भी कुछ नीचे खेत की तरफ गिर रहे। जब भी ये बरसात का टाइम आता है ना सब रात भर सोते नहीं है क्योंकि डर लगा रहता है पता नहीं कब कहाँ टूट जाए। ये अपनी 4 में भी हम पहुँच चुके हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी 4 जो कि हमारी 4 भी टूट रखी है धीरे धीरे करके, ये भी टूटने पे लगा है। तो अभी मम्मी लगा रही है यहाँ पे दरांती पे धार। लो तो अभी मम्मी तो ऊपर 4 में घास निकालेंगे पर मुझे जाना है यहाँ से 0.5 किलोमीटर दूर शिमला, क्योंकि शिमला में ना किसी की शादी है तो शादी की ना खाना बनाने के लिए जो लकड़ियाँ हैं वो फाड़ी गई थी कुछ टाइम पहले। कल परसों तो बारिश थी नहीं जा पाई पर आज जा रही हूँ मैं
जुड़ा लेके। तो चलो चलते हैं। और यहाँ से नीचे के लिए है शिमला, बाकी इधर की साइड देखो बिल्कुल कोहरा लगा है और हमारे यहाँ ना हल्की हल्की सी धूप लगी हुई है। और यहीं से ठीक नीचे दिखाई देता है रामपुर अगस्त मुनि जाने की रोड, यहीं से हम कॉलेज जाते हैं। और यहाँ से ना शॉर्टकट का रास्ता है तो यहाँ से पास पड़ता है। बाकी यहाँ पे मिल चुकी है मुझे निकिता और इसकी दीदी की शादी है तो मेरे को लकड़ी लेने के लिए। क्या मोटी क्या गोरी हो रखी है। हेलो यार, से बाल कह चुंगी मूसन। निकिता तो थोड़ा ऊपर अपने चाचा और के यहाँ सामान देने के लिए जा रखी है। और शिमला में ना दो परिवार रहते हैं, एक तो राणा फैमिली और एक रहती है जगवान फैमिली। जगवान तो अभी छोटा ही परिवार है, पर जो राणा फैमिली है ना वो बहुत बड़ा परिवार है, इसलिए ना पूरा एक गांव टाइप का बन गया, छोटा सा गांव। पर ये हमारे गांव में आता है, शिमला वाट तैला। और बाकी निकिता ना दिल्ली रहती है, दिल्ली जॉब करती है ना, तो ये और मैं ना स्कूल में क्लासमेट थे, हम दोनों साथ ही रहते थे दोस्त। तो अब इसकी दीदी की शादी है तो उसकी लकड़ियाँ लेने के लिए जा रहे हैं। और तेरी कब होगी तब रिश्ता ढूंढ लेती। अब बस लास्ट यही बची है, इसकी दो दीदियों की तो शादी हो चुकी है। इधर की साइड ना मिट्टी के लिए भी आते थे, लाल मिट्टी लेने, पर मैं तो फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। और यहाँ ना चीड़ के पेड़ इतने ज़्यादा घने हैं। और कितनी दूर जाना है? तो बहुत है। ये बोल रही बहुत दूर जाना है और रास्ता भी ऐसा है कि चढ़ाई पे ऊपर आना है। मैंने एक जंगली मुर्गे ने डरा दिया। अभी देखो नीचे आते ही ना आम मिला, वो भी आजकल वो भी कच्चा आम, भाई कहाँ से आए ये यहाँ पे। और हम पहुँच चुके हैं लकड़ियों के पास, तो घिरी रहती हैं तो इसलिए ना लोग आजकल ही लकड़ियाँ ज़्यादा फाड़ते हैं, फिर शादी के टाइम ना काम आती है खाना बनाने के लिए। और गीली हैं, कल परसों बारिश हुई तो बहुत ज़्यादा भारी होने वाली हैं, तो लगाते हैं फटाफट से भारा। तो चलिए लगाते हैं फटाफट से भारा, इसको तो आता नहीं है, किसी काम की नहीं है, बेचारी दिल्ली रहती है, हम तो घर के लोग हैं, सारा काम आता है। तो अभी ना मैंने भरा भी लगा लिया और लकड़ी बहुत ज्यादा गीली है, पीठ पे चुभे ना, इसलिए मैंने इतने सारे पत्ते तोड़ लिए हैं, तो इनको ना कुछ ऐसे लगाएंगे। अभी भरा तो लगा दिया, हम दोनों बहुत टाइम बाद मिले हैं, आज तो थोड़ा बैठ रखे हैं। बाकी इनकी बकरियां भी है ना, तो इस साइड जंगल में बाघ भी आता है और दिन के टाइम पे भी आता है, इसलिए मैं अकेली नहीं आई, इसके साथ आई। और इनकी बकरियां भी है तो बकरियां भी खाली वाली भागने, कितनी खाई, पांच छह बकरियां तो ऐसे भागने खाली। क्योंकि इधर ना बहुत घना जंगल है ना, इसलिए तेरे देख रहे हैं, देखा भी लोग बोलते हैं ना, देखा भी बकरियों के साथ तू रह, तूने कभी नहीं देखा? मैं नहीं रहती। अब ये बेचारी तो शहर वाली है। अभी ना बहुत सारी लकड़ियाँ रह रखी हैं, तो हमारे गांव के बहुत सारे लेने के लिए नहीं आए क्योंकि कल परसों बारिश हो रही थी, तो आज शायद ये लकड़ियाँ भी खाली हो जाएंगी। तो भारा ले जाना है और निकिता बोल रही मैं भी खाली क्यों जाऊं, क्योंकि बाद में लकड़ियाँ बचेंगी तो सारी यही ले जाएंगे, तो ये भी एक गीला ले जा रही है। चलो तैयार है। चढ़ाई पे चलते चलते हालत खराब हो रही है क्योंकि लकड़ियाँ गीली है, उस टाइम उठा रही थी तो मैंने बोला हल्की हो रही है और रखती हूँ, और रखा तो भारी हो रहा है। और रखो ये गियोल बिदार। अभी इस चढ़ाई पे चलते चलते यहाँ पे हम थोड़ा रुके हैं क्योंकि लग गई है थकान, और वो तो अच्छा हुआ कि आज उतनी धूप नहीं हो रही है जितनी होती है। लोग तो खाना खाने के बाद दिन के टाइम आएंगे, पहले घास लाएंगे उसके बाद धूप में आएंगे, पर मैंने बोला सुबह ही चली जाती हूँ, अभी जाके ना मेरे को घास भी निकालना है चार में। और ये बेचारी तो मजे हैं इसके। तो दोस्तों इसकी हवा हो गई है टाइट, मैंने इसको बोला था इतना सारा मत लेके आ। चलिए जी, अभी मैं निकिता और उनके घर पर भी पहुँच चुकी हूँ, और मैं इनके घर पर फर्स्ट टाइम आ गई, और इनका नया घर भी बन गया बल पुराना टूट के। और ये रहा इनका किचन। अभी ना निकिता लगा रही है मेरे पे पिठाई, क्योंकि ये पिठाई इसलिए लगाते हैं जब भी लकड़ियाँ लेके आते हैं ना तो शुभ कार्य के लिए टीका लगाना पड़ता है। हल्दी कब की थी? मैं यार हल्दी का कलर चला गया। अच्छा तू आ जा, तो क्या का नाम हम गलती नहीं थे। हमारे पहाड़ में ऐसा होता है कि अपना शुभ कार्य में गुड़ और तिल मिला के खिलाया जाता है। धन्यवाद। अभी निकिता ने मेरे लिए मस्त करके मालटी का जूस बना दिया है,
और पहाड़ों में ना गर्मियों के टाइम पे ये सबके घर में मिलेगा, माल्टे का जूस, बुरांस का और आंवले का जूस, तो पीते हैं ठंडा ठंडा। तो दोस्तों औरों के लिए हम बनाते हैं चाय, मैंने इसके लिए बनाया है जूस क्योंकि मेरे लिए स्पेशल है मेरी दोस्त। चलो तब जूस। चाय वैसे भी मैं ज्यादा नहीं पीती। ठीक है ना, के घर के सामने पे एक बैल भी है, बंदर भी आते हैं देखने पर, ये शायद घर पे ही रहते हैं और कुछ बंदरों ने खा ली। एक छोटी सी यहाँ पे लगी है ठेकेदारों की नई नई मकान बनी है, तो देख लेते हैं अंदर से। अंदर से तो बड़ा ही मस्त है। सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि उन्होंने वैसे वाले ऐसे वाले रेक ना इधर की तरफ नहीं बना रखे हैं, क्योंकि ये वाले बहुत बेकार लगते हैं मुझे और ऐसे वाले बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये ठीक किया। दूसरा वाला कमरा ये है, ये भी अच्छा बना रखा है भाई। ऐसे ऊंचा ऊंचा और रेक ना हो ना, सिंपली रेक नीचे की तरफ ही रखना चाहिए तो अच्छा लगता है, क्योंकि ऊपर की तरफ फिर सामान रखना है तो पूरा बहुत अजीब सा लगता है। जिस टाइम हमारे कमरे बने थे उस टाइम हमको इतना पता नहीं था, तो इसलिए हमने ऐसे ही रेक बना दिया। और आगे से आप भाई लोग बनाएंगे कभी तो ध्यान रखेंगे इस बात का। नीचे के कमरे देखने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ ऊपर के कमरे देखने के लिए, तो यहाँ भी देख लेते हैं। वो बोल रही है देख लेवल कैसे बने तेरे हिसाब से। स्टार्टिंग में देखो छोटी से बच्चे के पाउंड एक यहाँ पे फुल जा। ये भी बहुत ही अच्छा रूम बना रखा है, हर तरफ ना रेक अलग अलग प्रकार से बना रखे हैं। छोटे रेक हैं तो इतना तो अच्छा होता है, पर जो ऐसे बड़े बड़े होते हैं ना वो बेकार लगता है। घर के इस सामने से देखो बड़े ही प्यारे नज़ारे दिखाई देते हैं। उधर की साइड तो केदार घाटी है, वहाँ तो अभी कोहरा छाया हुआ है, क्या पता वहाँ बारिश हो रही होगी। देखो ये पता नहीं हमारी बिल्ली है या नहीं, ये सबके पास आ रही है, तो मुझे लगता है इनकी भी नहीं है भाई, हमारी तो नहीं है, तो लगता है ये हमारी है और यहाँ आ चुकी है। अब ये जा रही है यहाँ नीचे मेरे लिए कद्दू लेने के लिए भाई, अगर मिलेगा तो आराम से जाना, आराम से जाना बारिश से सोचिए रोड़ी। अभी ना इसने इतना थैला भर के मेरे को कद्दू ककड़ी और क्या पानी की बोतल सब कुछ दे दिया है, क्योंकि पानी मम्मी को प्यास लग गई। तो अब ये बेचारी तो रहेगी घर पे आराम से और मैं जाऊंगी हाँ। अभी घास भी निकालना है, तो मैंने इसको पहले बोला था घास निकाल के फिर आना, फिर मैंने बोला धूप होती है तो कौन इतनी धूप में आएगा, तो ठीक है। तो अब पता नहीं कब मिलना होगा ना, अब मिल नहीं, अब इसकी दीदी की शादी में मिलेंगे, नवम्बर में है इसकी दीदी की शादी, तब मिलेंगे कभी। बाय 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 बाय। तो दोस्तों इसके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत मेहनत करती है। ठीक है मेरा थैला भी फट रहा है, तो आराम से ले जाना कहीं ऊपर से भी नीचे ना आ जाए। ठीक है बाय बाय सबको मेरा बाय। ले जी अभी सड़क में पहुंच चुकी हूँ और उनके यहाँ से ऊपर आने के लिए ना बिल्कुल चढ़ाई है, तो हालत खराब हो जाती है। आई हो दादी जी, नाती हो रखा है, 4 दिन हो गए नाती हुए, हम गांव के लोग अभी सुन रहे हैं, बधाई हो। तो 4 में भी पहुंच चुकी हूँ, अभी निकालते हैं घास, और मामी ने तब से अपने लिए ही निकाला घास और मैंने भी निकालना है अभी अपने लिए। इधर की तरफ ना ये मशरूम हो रखे हैं, पर ये शायद खाने वाले नहीं होते हैं, और इधर 4 में ना अलग अलग प्रकार के मशरूम हो रखे हैं। ये देखो मम्मी ना यहाँ पे लगा रही हैं 4 में पेड़ गुरियाल के हैं, इतने सारे के लिए भाड़ा भी उठा लिया है। अभी चलते हैं घर, हर दिन के 11:30 हो गए ना, देर हो गई आज बहुत ज़्यादा। टाइम हम आए थे उस टाइम तो इतना नहीं टूट रखा था, अभी इसी रास्ते घोड़े खच्चर गए ना, तो ये देखो और टूट गया। फाइनली पहुंच चुके हैं और भैया की तैयारी हो चुकी है त्रिवेणारायण जाने की, हम जा रहे हैं और मैं ही जा रहा हूँ अकेले, क्योंकि वहाँ ना हरियाली मेला लगता है साल में कितने दिन का, 3-4 दिन का, 3-4 दिन का लगता है, तो भैया जा रहे हैं और बहुत ही मस्त मेला लगता है त्रिजुगी नारायण, वही जहाँ प्रियंका दीदी का घर है। तो ठीक है ठीक है, तब बैठो, जय माता दी हर हर महादेव, कुछ लेके भी आना।